स्पेट्स मिलान नो डाउट कि बड़े ही ड्रामे वाला शो है, लेकिन इस शो के कंटेस्टेंट्स का ड्रामा सिर्फ शो तक ही सीमित नहीं रहता। शो के बाद भी सालों साल तक इनकी कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। अब स्पेट्स मिलान 12 को ही देख लो, इस सीजन को खत्म हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन उस सीजन के कंटेस्टेंट विद्या, आहाना और अर्शिया की कॉन्ट्रोवर्सी आज भी ऐसे ही बरकरार है। एंड ऑल थैंक्स टू भव्या उर्फ लेडी डॉन, जिनके यूट्यूब के इंटरव्यूज इस तरीके की कंट्रोवर्सी पे आग लगाते ही रहते हैं। पहले तो कभी आहाना रिद्या को भरी पार्टी में थप्पड़ मार देती है और फिर आधी रात को उनका सामान बाहर फेंक कर उनके पैसे तक चुरा लेती है। तो कभी छोटे या बड़े ब्रांड्स इन कंटेस्टेंट को फ्रॉड करने की वजह से एक्सपोज कर देते हैं। और इस साल भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। पहले तो भूमिका ने आकृति पर ये एलिगेशन लगाया कि रोडीज के टाइम पर उन्होंने उनका कपड़ों का सूटकेस चुराया, और यहाँ तक भी कहा कि स्पिट्स विला सीजन 15 में आकृति उनके कपड़े तक पहन रही है। देवांगनी और दिव्यांश जिस कपल को उनकी सादगी की वजह से पूरे देश ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन शो से बाहर आने के बाद उनके मल्टीपल इंटरव्यूज में अपने ही दोस्त स्पेशली आकृति को इन्होंने ऐसे एक्सपोज किया कि लोगों ने अब देवांगनी को एहसान फरामोश कहना शुरू कर दिया है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पिट्स विलन की क्लोथ कॉन्ट्रोवर्सी, देवांगनी और आकृति के साइड की स्टोरी, और भूमिका की लगाए आकृति पर एलिगेशंस के बारे में। आकृति नेगी नो डाउट की स्पिट्स विला में बड़ा ही अच्छा खेल रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनको विलन का टैग दे दिया है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहले तो रोडीज करम या कांड की उनके ही सीजन की कंटेस्टेंट भूमिका ने आकृति पर ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने रोडीज के टाइम का उनके कपड़ों का सूटकेस चुराया है। एक्चुअली हुआ ये कि रोडीज के टाइम पर भूमिका के शो से निकल जाने के बाद वो गलती से अपना बैग सेट पर भूल गई थी, लेकिन शो के खत्म हो जाने के बाद जब प्रोड्यूसर्स ने सभी कंटेस्टेंट से ये पूछा कि कौन इस बैग को भूमिका तक पहुंचा सकता है, तो आकृति ने खुद चलकर इस बात की जिम्मेदारी ली। लेकिन शो के बाद उन्होंने कभी भी भूमिका को कॉन्टेक्ट नहीं किया, और जब भूमिका को बाकी सभी कंटेस्टेंट से ये बात पता चली कि उनका बैग आकृति के पास है, तो उन्होंने आकृति को फोन किया, लेकिन आकृति ने साफ मना कर दिया कि उनके पास तो बैग ही नहीं है। लेकिन भूमिका के बहुत ज्यादा जोर देने पर आकृति ने हामी भर ली, लेकिन साथ में ये भी बोला कि उनके बैग के सारे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस बैग को फेंक दिया। अब आप ही बताओ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पहली बात तो आकृति ने किसी और के बैग को खोला ही क्यों, और अगर खोला और उनको खराब कपड़े मिले तो उनका कैसे हक बनता है किसी और के कपड़ों को फेंकने का। उन्हें उस बैग को एज इट इज भूमिका को दे देना चाहिए था, फिर वो उसके साथ जो चाहे वो करे। अब ये बात यहाँ तक भी खत्म नहीं हुई। अभी रिसेंटली आकृति के पहने हुए एक टॉप को देखकर भूमिका ने ये क्लेम किया कि ये उनका टॉप है जो उसी बैग में था जो आकृति कह रही है कि उन्होंने फेंक दिया था। यहाँ भूमिका इस टॉप की बात कर रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक टॉप बस एक ही लड़की के पास हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कई बार एक ही कपड़ों को कई सारे कंटेस्टेंट या सेलिब्रिटीज को पहने हुए देखा है जो उनके खुद के होते हैं, लेकिन अगर ये आकृति और भूमिका की क्लोथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो कोई भी भूमिका की इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अभी बात कुछ अलग है, और लोग अभी इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये कंट्रोवर्सी पहले हो चुकी है। इन सब के बाद फिर से इस साल आकृति के साथ सेम क्लोथ कंट्रोवर्सी हुई। इस साल की कंटेस्टेंट देवांगनी, जो आकृति की काफी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने शो से निकलने के बाद ऐसा कई इंटरव्यूज में बोला कि आकृति उनका कोट या फिर कपड़े पहनती थी और उनके इनर वियर्स और स्लीपर्स तक भी पहनती थी, जो उन्होंने कभी भी खुद से वापस नहीं किए। लेकिन देवांगनी के शो से निकल जाने के बाद उन्होंने जब उनको कई बार बोला कि मेरा सामान वापस कर दो, तो भी आकृति ने नहीं किया, और आखिरकार देवांगनी को शो के क्रू मेंबर्स से रिक्वेस्ट करके अपना सामान मंगवाना पड़ा। अब देवांगनी के इन सब एलिगेशन को सुनने के बाद में ऑडियंस दो टीमों में बट गई है। एक तरफ तो लोग देवांगनी को सपोर्ट कर रहे हैं और आकृति पर उंगली उठा रहे हैं,
कि आकृति तो हमेशा ही हर शो में ऐसा करती है, उसकी तो आदत हो गई है दूसरों का सामान चुराने की। और देवांगनी ने बहुत सही किया आकृति की सच्चाई सबके सामने लाकर। और दूसरी तरफ लोग आकृति को सपोर्ट कर रहे हैं और देवांगनी को एहसान फरामोश कह रहे हैं कि जिस दोस्त ने बुरे वक्त पर उनका साथ दिया, उनकी तबीयत खराब होने पर घंटों उनका ध्यान रखा, उनके लिए रोई, उनको ही देवांगनी ने चंद कपड़ों के लिए पूरी दुनिया के सामने बुरा बना दिया। बट देवांगनी का हर्ट होना बनता है क्योंकि आकृति के पास कितनी बार पावर होने के बाद भी उन्होंने कभी भी देवांगनी के फेवर में कुछ नहीं किया, उनको कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। व्हाट अबाउट यू गाइस, आपको कौन लगता है सही, देवांगनी या फिर आकृति? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एंड डू लेट मी नो कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी कंटेस्टेंट के लिए पब्लिसिटी का काम करती है या फिर इमेज खराब करने का। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और एक बात, पूरी जिंदगी निकल जाती है अपनी रेपुटेशन बनाने में और कुछ ही पलों में वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, इसलिए थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइज।